बी फॉल, ये फॉल पंचमढ़ी सिटी का सबसे सुंदर फॉल माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। ये पंचमढ़ी सिटी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। बी फॉल घूमने के लिए आपको बाइसन लॉज से टिकट कटाने होते हैं। इसमें जो प्राइवेट गाड़ी है उसका पार्किंग एरिया बी फॉल से 3.5 किलोमीटर दूर होता है, और जिप्सी बुक कर सकते हैं जो कि 4x4 रहता है, और उसमें आप बी फॉल तक जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बी फॉल का जो रास्ता है वो बहुत कठिनाई भरा है, और वहाँ पे एक छोटी सी गलती से भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उधर सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर को ही जाना अलाउड है, जो कि पंचमढ़ी हिल में लाइसेंस लेकर के अपनी जिप्सी को चलाते हैं। इस फॉल में पंचमढ़ी हिल का पानी आता है, और ये फॉल में पानी सालों भर रहता है। बरसात के समय इसमें पानी का जो स्रोत है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण झरना बहुत सुंदर लगता है गर्मियों के दिन के कंपेयर में। फॉल में नीचे उतरने के लिए लगभग 450 सीढ़ी तय करनी पड़ती है। नीचे से फॉल का दृश्य और भी सुंदर लगता है। गाइज, ये स्पोर्ट्स एरिया है। ये इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसा कि आप सामने में देख ही रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ का लिस्ट लगा हुआ है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है और सब जगह के कंपेरिजन में। बट एक चीज़ मेरा ये भी मानना है कि अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा को नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता है घूमने का। रिचगढ़ एक ह्यूज केव है जो कि पंचमढ़ी के हिल्स के बीच में छुपा हुआ है। गाइस, एक मिथ है जो कि इस रिचगढ़ से जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि इसमें पहले बियर्स भालू जो है वो रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये बिल्कुल एक मिथ है, ये बस एक नॉर्मल केव है।
सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, चौड़ागढ़ और धूपगढ़, इन ये सब एक ही जगह है, एक ही हिल पे बसा हुआ जगह है। इसमें धूपगढ़ का नाम सनराइज के नाम पे पड़ा, धूप का मतलब सनराइज होता है और गढ़ का मतलब सेंटर पॉइंट होता है, इसलिए इसका नाम धूपगढ़ पड़ा। ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसका की ऊंचाई लगभग 4,330 फीट के लगभग है। यह लगभग पंचमढ़ी शहर से 9 किलोमीटर दूर है। इसमें 5 बजे शाम के बाद कोई एंट्री नहीं होती है, इसलिए हमको इसमें 5 बजे शाम के पहले एंट्री करना होता है। और इसमें एंट्री के लिए हम लोगों को पाइथन लॉज से टिकट कटाना होता है, जो कि एक टिकट में ही सब जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। गाइस, ये धूपगढ़ में सनराइज और सनसेट एक ही जगह पे होता है, एक ही पहाड़ से हम लोग देखते हैं दोनों जगह को। जैसे ही हम लोग धूपगढ़ पहुंचते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग सनराइज पॉइंट की तरफ जाते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ सनसेट पॉइंट की तरफ जाते हैं। सनसेट पॉइंट की तरफ जाने के समय वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी है, उसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सनराइज पॉइंट है, और सनराइज पॉइंट पूरी तरह से एक पहाड़ के चोटी पर बसा है और इसके एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ समतल मैदान है। ये सामने की ओर से इसमें सनराइज होता है, जो कि सुबह में बहुत खूबसूरत लगता है। ये सामने सनसेट पॉइंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ का कितना सारा लेयर्स है। ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन का सबसे सुंदर जगह माना जाता है, सबसे सुंदर पहाड़ी दृश्य माना जाता है।